नमस्कार किसान साथियों, एडवांस किसान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी किसान साथियों को जैसा पता है कि इस वक्त बाजरा की बुआई हमारी लगभग ख़त्म हो चुकी है और अब जो सीज़न है वो निराई का है, निराई गुड़ाई। तो बाजरे की अंदर जितनी भी खरपतवार है वो खरपतवार निकाल दें और अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें आप एट्राजिन 50% सिरराम की खाद के साथ इस्तेमाल करें ताकि खरपतवार क्या हो जाएगी, आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। और पर बीघा आपको मतलब एक बैग में आपको एक आधा किलो का पाउच आपको इस्तेमाल करना है, साथ में फड़का वाली दवाई भी आपको उसमें मिला लेनी है जो कि 80-90 रुपए की आती है और एट्राजिन जिसकी कीमत लगभग 230-240 रुपए के आसपास आएगी, उसका आप छिड़काव करें। इसके साथ ही आप एक काम और करना किसान साथियों, जैसे ही बाजरा थोड़ी सी हाइट पर और आए तब आपको एक बार नैनो यूरिया का स्प्रे ज़रूर करना है। नैनो यूरिया से फ़ायदा क्या होगा, जो हमारा पौधा है वो पौधे के अंदर जो इसका फेड़ा होगा वो क्या बनेगा, इसका जो रूट होगा ये क्या बनेगा, हमेशा हरा बना रहेगा। तो आपको वो स्प्रे करना है, एक 40 लीटर का पानी लेना है, उसमें एक नैनो यूरिया की आपको बोतल का इस्तेमाल करना है और उसको डालकर आपको आपको स्प्रे करना है। तो किसान साथियों, आपको अभी के लिए सिर्फ यही सावधानी रखनी है कि हमें बाजरे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई खरपतवार आपको नहीं छोड़नी है और एट्राजिन का छिड़काव करके आप जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हो, ठीक है ना। और जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो उसके अंदर आप नैनो यूरिया का स्प्रे कर देना, जैसे बरसात चालू हो जाए तो आपको यूरिया पर बीघा आपको 15-20 किलो के बीच में ही आपको यूरिया देना है। और अगर हाँ नैनो यूरिया का अगर स्प्रे करना हो तो आपको यूरिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर ही वो काम करेगा। धन्यवाद किसान साथियों।